रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु ने पवित्र सरयू नदी में स्नान कर हनुमान गढ़ी कनक भवन व राम जन्म भूमि के अस्थायी मंदिर में विराजमान श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। वहीं 28 वर्षों बाद श्री रामलला को दही पापड़ घी के साथ खिचड़ी का भोग भव्य मंदिर में लगाया गया। श्री राम जन्म भूमि परिसर के अस्थायी मंदिर में विराजमान भगवान श्री रामलला सहित अयोध्या के मठ मंदिरों में मकर संक्रांति का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को मनाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू नदी में संक्रांति स्नान कर वस्त्र व अन्न दान किया। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन पीला वस्त्र व अन्न दान किया जाता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि मिलती है। मकर संक्रांति के पर्व पर जन अयोध्या के मठ मंदिरों में विशेष प्रकार के व्यंजनों से भगवान के गर्भगृह में भोग लगाया गया। वहीं राम जन्म भूमि परिसर में विराजमान भगवान श्री रामलला को भी इस वर्ष मकर संक्रांति पर दही पापड़ी अचार के साथ खिचड़ी का भोग लगाया गया, क्योंकि इस बार परिसर में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है, जिसके लिए भगवान को भव्य अस्थायी मंदिर में विराजमान करवाया गया है। और 28 वर्षों के बाद भगवान श्री रामलला अपने अलौकिक और सुंदर भवन में बैठकर मकर संक्रांति के पर्व पर खिचड़ी का भोग प्राप्त किया। राम जन्म भूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने बताया कि आज मकर संक्रांति का पर्व है। यह पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के लोग बड़े ही उत्साह से मंदिर निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं। और इस वर्ष राम जन्मभूमि परिसर में भगवान श्री राम लला को अस्थायी सुंदर भवन में विराजमान किया है। पहली बार इस भवन में मकर संक्रांति के पर्व पर लगने वाले खिचड़ी प्रसाद का भोग लगाया गया। वहीं बताया कि इसी तरह अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में भी विराजमान भगवान को भोग लगाए जाने के साथ ही अयोध्या आए श्रद्धालु को प्रसाद के रूप में खिलाया जा रहा है। त्रिपाल में रहे राम लला, इस वर्ष का जो भोग है वो अस्थायी मंदिर बन गया है, जहाँ सभी प्रकार की सुविधा है। इसलिए प्रसन्नता ये है कि रामलला के पक्ष में मंदिर निर्माण का आदेश हो गया है, वह कार्य भी शुरू है, और साथ ही साथ मंदिर में सब सुविधा है जहाँ रामलला विराजमान है। यह सुविधा पहले नहीं थी जब त्रिपाल में रहे, और जिस समय सूर्य मेष राशि में जाता है उसको मकर संक्रांति कहते हैं, और मकर संक्रांति हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा और बहुत उत्तम माना जाता है। इसमें दान पुण्य स्नान ये सब किए जाते हैं, तो लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने जगह पर, कुछ लोग संगम में जाते हैं, कुछ गंगा में जाते हैं, कुछ लोग सरयू में, और इसी प्रकार से वो लोग स्नान दान करते रहते हैं। तो अब की वर्ष जो मकर संक्रांति आई तो रामलला अस्थायी मंदिर में है, वहाँ पर खिचड़ी का भोग विधि विधान से लगा है, और आज चूँकि संक्रांति रही और खिचड़ी का ही प्रधान है, हमारे यहाँ खिचड़ी कहते हैं, दूसरे जगह पोंगल और लाहड़ी कहते हैं, तो यह लाहड़ी का पोंगल का जो है पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और खिचड़ी का पर्व यहाँ उत्तर प्रदेश से मनाया जाता है, जिसमें रामलला का विधि विधान से भोग लगा खिचड़ी का, उसके चार सहयोगी होते हैं जो दही घी पापड़ और अचार, ये चार उसके यार, तो इसके साथ में खिचड़ी का भोग लगा, और भोग लगने के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। इसलिए इस वर्ष का पर्व बड़ी प्रसन्नता बहुत ही खुशी से मनाया गया।